Hey guys, it's me danumaj and it's time to clash with dan. तो बेसिकली मुझे ऑलमोस्ट 30-35 DMs आए थे इंस्टाग्राम पर रिगार्डिंग न्यू इवेंट कंप्लीट कैसे करें और वो जो चमकीले 250 जेम्स है उन्हें हासिल कैसे करें। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप ये 250 जेम्स बस एक आर में हासिल कर सकते हैं। सो क्लैशर्स, क्लैश ऑन। Hey guys, it's me danumaj and it's time to clash with dan. तो जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे मेरे ऑलमोस्ट जो वीज इवेंट है वो कंप्लीट होने आ चुका है। यहाँ पे मेरे 9 अटैक्स जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं और मुझे सिर्फ एक और अटैक करना है जिससे कि मेरा इवेंट कंप्लीट हो जाएगा और मुझे हासिल हो जाएंगे वो 250 जेम्स। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने 250 जेम्स बहुत ही आसानी से हासिल की। इसके लिए सिर्फ आपको दो टिप्स फॉलो करने पड़ेंगे और वो दो टिप्स कुछ इस तरीके से। सबसे पहले तो आपको नीचे जाना पड़ेगा ट्रॉफीज़ में। अगर आपको 250 जेम्स चाहिए तो फिर आपको थोड़ी सी कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। तो फिर आपको नीचे जाना पड़ेगा ट्रॉफीज़ में, उसके बाद आपको 10 जेम्स जो है वो कुर्बान करने पड़ेंगे, मतलब आपको जो स्पेल फैक्ट्री है वो बूस्ट करनी पड़ेगी जिससे कि आप एक आर में ऑलमोस्ट 20 स्पेल्स बना सकते हैं। तो बस यही थे दो सिंपल ट्रिक्स और उसके बाद मैं आपको कॉस्ट बता देता हूँ। तो बेसिकली बर्थडे बूम जो कॉस्ट करती है वो है 19,000। तो 19,000 इंटू 10 अटैक्स इंटू 20, मतलब 20 स्पेल्स लगेंगे क्योंकि हर एक अटैक में आपको दो स्पेल्स यूज़ करने। तो फिर 19,000 इंटू 20 इक्वल्स टू 380,000 एलिक्सर और 380,000 एलिक्सर इक्वल्स टू 250 जेम्स। आई गेस इट्स एन ऑसम डील बिकॉज वी कैन फार्म 380,000 एलिक्सर इन टू रेट्स। तो दो रेट्स में 250 जेम्स काफ़ी ही ज़्यादा अच्छा ऑफर है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले मेरे रेट्स मैंने कैसे किए और ट्रॉफीज कम करने का फ़ायदा क्या क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये बेसिकली मेरी फोर्थ रेड है। मैं पहले 3 रेड रिकॉर्ड नहीं कर पाया, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस रेड में भी जो है टाउन हॉल जो है वो बाहर मिला है। मतलब अगर आप लो ट्रॉफीज में जाएंगे तो फिर आपको टाउन हॉल जो है वो बाहर मिल जाएंगे। तो मैंने वहाँ पे आप मेरे आर्चर्स छोड़ दिए और जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी जो है वो टाउन हॉल नीचे जाने वाला है और इसमें ज़्यादा मुझे एलिक्सर या फिर कुछ ज़्यादा नुकसान भी नहीं है। तो फिर मैंने वहाँ पे दो बर्थडे बूम ऑलरेडी यूज़ कर दिए हैं और ओवरऑल डैमेज यहाँ पे ख़त्म होने वाली है ये रेड। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट टर्न करने की कोशिश करूँ, मैं यहाँ पे ज़्यादा ट्रूप्स डिप्लॉय कर रहा हूँ। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 1 स्टार हो चुका है और हमें विक्ट्री मिल चुकी है। तो हम यहाँ पे एंड बैटल करेंगे, हम रिटर्न होम जाएंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरी ऑलमोस्ट जो है वो, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इवेंट जो कंप्लीट हुए वो है 4 अभी तक। तो फिर हम अभी 5th इवेंट में जाएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि, तो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि नीचे उतरने का सबसे अच्छा फ़ायदा यही है कि आपको 250 जेम्स काफ़ी ज़्यादा आसानी से मिल जाएंगे और 250 जेम्स की कॉस्ट अराउंड 200-300 रुपये तो होंगी मेरे ख्याल से। अभी मुझे वो एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पता है लेकिन अराउंड इतनी होंगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं एक और रेड और इसमें भी जो टाउन हॉल है वो बाहर के साइड में। तो ये मेरी 5th रेड है और अभी हम इसमें दिखाएंगे कि हम कैसे ईजीली जो है वो, हम यहाँ पे बर्थडे बूम पहले यूज़ करेंगे। तो फिर बर्थडे बूम नीचे जाते हुए और वहाँ पे जो साइड में जो हिडन टेस्लाइस वो भी डिस्ट्रॉय करते हुए, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 3% हो चुका है। और अभी जो मेरे आर्चर से, मेरे जो बारबेरियन से वो मेरे आर्चर्स को टैंक कर रहे और मेरे आर्चर्स पीछे से जो है वो टाउन हॉल को नीचे लेने की कोशिश कर रहे। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे टाउन हॉल नीचे जाने के कगार पर आ चुका है और 3% हो चुका है। तो फिर हम लोग यहाँ पे इजीली एक और स्टार स्कोर करेंगे। 5 इवेंट कंप्लीटेड। तो बस ऑलमोस्ट यहाँ पे जो है टाउन हॉल जो है वो नीचे जा चुका है और यहाँ पे हम लोगों ने ओवरऑल 5% डैमेज कर दिया। और ऐसा नहीं कि हमें जो बर्थडे बूम है वो सिर्फ सिर्फ टाउन हॉल के ऊपर ही प्लेस करनी है, हम कहाँ पे भी प्लेस कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने 5 प्रोग्रेस कंप्लीट कर चुके हैं और अभी हम जाएंगे हमारी 6th रेड के ऊपर। तो चलिए फाइंड करते हैं एक मैच। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली एक बेस है और, तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसका भी जो टाउन हॉल है वो अपर साइड में और हम यहाँ पे बर्थडे बम पहले यूज़ करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे हमारे किंग जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे किंग की हम यहाँ पे एबिलिटी यूज़ कर देंगे क्योंकि जो है वो हमारे किंग काफ़ी ज़्यादा दूर है एज़ कम्पेयर टू हमारे पिछले दो अटैक्स में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे रिटर्न होम करेंगे और हमारे ऑलमोस्ट, और हमारे जो 6 प्रोग्रेस है वो ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो चुके हैं।
तो चलिए एक और रेड। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसका भी जो टाउन हॉल है बाहर के साइड में, तो हम लोग वहाँ पे अपना किंग छोड़ देंगे और उसके बाद हम उसकी एबिलिटी यूज़ कर देंगे। उसके बाद दो बर्डे बूम नीचे जाते हुए, तो ऑलमोस्ट जो है हम लोगों ने यहाँ पे हमारे किंग की एबिलिटी और दो बर्डे बूम से जो है वो एक और टाउन हॉल नीचे ले लिया है। और यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है हमारे 8 प्रोग्रेसेस कंप्लीट होते हुए और हमें बस और 2 अटैक करने हैं। तो मैं एक अटैक जो हूँ लाइव करूँगा आप सबके साथ, ये मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड करके रखा था इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी हमारा जो बूस्ट बाकी हुए 30 मिनट्स, एक्चुअल में जो है वो बेस ढूंढने में टाइम नहीं लगता है, लेकिन जो स्पेल्स है उन्हें ट्रेन होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो स्पेल्स जो बर्थडे बूम ट्रेन होते हैं उनको लगते हैं 2 मिनट्स, और हमारे फर्स्ट सर्च में हमें बाहर टाउन हॉल मिल जाता है तो फिर 1 मिनट में अटैक भी हो जाता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हमारी 9th रेड है और इसमें जो लूट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। हम लोग यहाँ पे लूट भी एक्वायर करने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे। तो फिर यहाँ पे 5 लाख गोल्ड, 5 लाख एलिक्सर और 1400 डार्क एलिक्सर। तो हम लोग यहाँ पे स्प्रेड आउट करेंगे हमारे बारबेरियंस को सबसे पहले, उसके बाद पीछे से हमारे जाएंगे आर्चर्स और हम यहाँ पे किंग जो है वो सेंटर में यूज़ करने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ पे पहले बर्थडे बूम नहीं डालेंगे, पहले हम जो है वो लूट एक्वायर करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा किंग जो है वो सेंटर में अंदर घुसता हुआ 8% ऑलरेडी हो चुका है बर्थडे बूम नीचे जाते हुए। मैंने वहाँ पे विजर टॉर पे यूज़ किया। तो जैसे कि आप देख सकते हैं आप अपने बर्थडे बूम जो है वो कहीं पर भी यूज़ कीजिए स्टोरेज के ऊपर, बस आपको जो है वो एक विक्ट्री लानी है, उसके लिए आपको बर्थडे बूम यूज़ करनी है। तो यहाँ पे 23% हो चुका है और हम थोड़े से और लूट एक्वायर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे कितने लूट एक्वायर कर पाएंगे। तो हमारे किंग जो है वो हमारे हमेशा की तरह भक्चौती करता हो और वहाँ पे वॉल्स के ऊपर जो है स्टक हो चुका है। तो मैं वहाँ पे एक हीलिंग स्पेल डाल दूंगा और अपने किंग की जो है एबिलिटी यूज़ कर दूंगा, जिससे कि हमारे सारे के सारे बारबेरियंस जो है वो रेज हो जाएंगे। और वहाँ पे वॉल्स फोड़ते हुए 32% हो चुका है ऑलमोस्ट। हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी अच्छी लूट ग्रैब कर ली है बाचर से, तो 35% हो चुका है। क्या हमारा किंग जो है वो अंदर घुस पाएगा और क्या वो इस ड्रिल को फोड़ पाएगा उसका भी हमें पता चलने ही वाला है। तो यहाँ पे हमारा किंग जो है वो एक और बार हमारे वॉल के ऊपर स्टक हो चुका है। तो 36% ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और हमारा किंग जो है वो सेंटर में अंदर घुसता हुआ और उस ड्रिल को फोड़ता हुआ। यहाँ पे हमारे किंग की भी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा कम, एक मोटर और एक आर्चर उसको हमला करते हैं और यहाँ पे हमारे किंग ने काम कर दिया और हमें मिला है ऑलमोस्ट, चलिए देखते हैं हमें कितना मिला है। तो एक लास्ट बारबेरियन लेफ्ट और हमारा एक बारबेरियन शहीद होता है। तो हमें यहाँ पे मिला है 3 लाख गोल्ड, 3 लाख एलिक्सर और 1000 डार्क एलिक्सर, जो कि काफ़ी अच्छा है बाचर्स के जरिए से अगर देखा जाए तो। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि वहाँ पे हम लोगों ने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिए हमारे 9 प्रोग्रेसेस। तो चलिए हम अपना 10th जो प्रोग्रेस है वो एक साथ कंप्लीट करते हैं और देखते हैं कि हमें 250 जेम्स कैसे मिलेंगे। ओके, तो बेसिकली जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे ऑलमोस्ट 9 जो है वो प्रोग्रेसेस कंप्लीट हो चुके हैं और हमें सिर्फ एक और प्रोग्रेस करना है और हमें मिलेंगे 250 जेम्स और 500 एक्सपी पॉइंट्स। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास है आर्चर्स, बारबेरियंस, 2 बर्थडे बूम, एक रेड स्पेल और एक अर्थक्वेक, जो कि मुझे कभी कभी लगते हैं। ऑलमोस्ट मुझे सिर्फ एक ही अटैक में एक हीलिंग स्पेल लगी है और ऑलमोस्ट बाकी सारे अटैक्स में मैंने जो है वो अपने बर्थडे बूम से ही रेड ख़त्म की है। तो चलिए सर्च करते एक और रेड। तो सबसे पहली सर्च यहाँ पे कंप्लीट होते हुए, तो सबसे पहली रेड यहाँ पे ख़त्म होती है और जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी जो टाउन हॉल है वो सेंटर में नहीं है, वो इस तरफ है। तो यहाँ पे ऑलरेडी कुछ प्लेयर्स ने अटैक कर दिया और नीचे आके जो है वो 250 जेम्स कलेक्ट कर चुके हैं। तो आप भी जल्दी जल्दी नीचे आइए और 250 जेम्स कलेक्ट कीजिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अपना किंग छोड़ दिया, उसके बाद मैंने अपने 2 बर्थडे बूम टाउन हॉल के ऊपर प्लेस कर दिए, उसके बाद मैंने अपने बारबेरियंस और बारबेरियन किंग छोड़ दिए और यहाँ पे रेज बारबेरियंस अंदर घुसते हुए। तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने यहाँ पे 1 स्टार स्कोर कर दिया है और यहाँ पे हम लोगों ने विक्ट्री जो है वो हासिल कर दी। तो हम लोग रिटर्न होम चलते हैं और देखते हैं कि क्या हमारे स्क्रीन के ऊपर लिख के आता है। तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं इवेंट कम्प्लीटेड, यू रिसीव 250 जेम्स, ग्रेट। तो जैसे कि आप एग्जैक्ट हमारे पास थे 218 जेम्स, तो हमारे पास अभी है 568 जेम्स। तो इस तरीके से आप अपना इवेंट कंप्लीट कर सकते हो। और मैं अभी अपने TH9 के ऊपर हूँ जो कि मेरी सेकेंड आईडी है और ये रही मेरी फर्स्ट आईडी। तो मैं अपनी सेकेंड आईडी के पर इस वजह से हूँ क्योंकि मेरी फर्स्ट आईडी जो मैं पुश कर रहा हूँ टाइटन के ऊपर, इसलिए मैं नीचे नहीं आना चाहता हूँ। तो बेसिकली यही रीज़न है मैं नीचे नहीं आना चाहता, और मुझे वापस से जो है वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जेम्स है मेरे फर्स्ट आईडी के ऊपर। तो बस यही था आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए। आज हम एम करेंगे अराउंड 199 लाइक्स के लिए। अगर आपको लगता है कि आज का वीडियो जो है वो सचमुच में हेल्पफुल था तो आप एक काम कर सकते हैं, आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपको इस वीडियो की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में
मिल जाएंगी। और मेरा जो सबसे पहला कमेंट होगा उसमें भी इस वीडियो की लिंक दी गई होंगी, तो आपको बस वैसे कॉपी करना है और आपके व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर FB पे शेयर करना है। तो भाई लोग जो भी शेयर करेंगे वो मुझे कमेंट सेक्शन में बोलिए, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट दूंगा। तो भाई लोग अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जाइए और इस लाल बटन को हिट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब हो जाए। उसके बाद जो तो भाई लोग जो सब्सक्राइब के बाजू में नोटिफिकेशन आइकॉन है उसे बजाना ना भूलिए, वो जो बेल है जो घंटा है उसे बजाना ना भूलिए, उससे आपको जो है वो नोटिफिकेशन मिल जाएंगी जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने ख्याल रखिए। एक बात और, आप मेरा एक वीडियो देख सकते हैं राइट साइड में, एक वीडियो लेफ्ट साइड में, और सेंटर में सब्सक्राइब बटन, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और पार्ट हो जाइए मेरे फैमिली का। बाय बाय, पीस आउट। I'm coming home.